खालिक ताज के घर में। और आज के जो हमारे मेहमान हैं अब्दुल खालिक ताज, अब्दुल खालिक ताज जो कि एक पोइट, एक रहनुमा और शना जबान में जो इनकी खिदमात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं बताती चलूँ, आप सहाफ़ी रह चुके हैं, आप पोइट हैं और शना जबान की जो तरदीद है उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार रहा है। और आप गिलगित बल्तिस्तान के जाने माने शायर जफर वकार ताज के वालिद हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि आप सहाफ़ी भी रह चुके हैं, आप पोइट हैं, आपने 3 किताबें लिखी हैं जिनमें सबसे पहला शना जबान वो अदब, उसके बाद शना की कायदा आपने लिखा, और अब ताजुल लुगत जो आ रहा है वो एक शाहकार है। तो आपने इतना सारा काम किया, बचपन कैसा गुजरा सर आपका और कहाँ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की और ये जो शायरी का जुनून है ये कहाँ से पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन तो हमारा ऐसा गुजरा जैसे कि उस ज़माने का बचपन हुआ करता था। आप अंदाज़ा करें जी, 50s और 60s में किस तरह आदमी रह सकता था। हमारा इलाका तो इतना डेवलप था नहीं, न कॉलेज थे, न यूनिवर्सिटी थी, न स्कूल था, तो बहुत दूर दूर एक स्कूल होता था। तो बचपन ऐसे ही गुजरा। जब मैं बड़ा हो गया तो ये ज़माना ऐसा नहीं था कि पतलून वाला नहीं था, सलवार कमीज़ वाला ज़माना था। तो स्कूल के लिए फिर बड़ा मुश्किल था। हम पहले तो मैं उसमें शहर में आकर ये हाई स्कूल नंबर 1 में दाखिल हुआ, उसके बाद जागीर बसिन में प्राइमरी स्कूल बना, चूँकि मैं हेंजल का रहने वाला हूँ तो मैं हेंजल वापस अपने आबाई घर में शिफ्ट हो गया, और वहाँ से फिर मैं जागीर बसिन में आकर वहाँ मैंने 5वीं तक पढ़ा। प्राइमरी पास करने के बाद फिर 6 में दाखिला लेने के लिए मुझे हाई स्कूल नंबर 1 जाना पड़ा। वहाँ से जब मैं मैट्रिक पास किया तो फिर वहाँ ना कोई कॉलेज था, कुछ भी नहीं था। हमें गिलगित के लड़के, पुनियाल के, जीबी के लड़के सारे, कोई मुजफ्फराबाद, कोई एबटाबाद, कोई लाहौर, कोई कराची जाता था। हमारी किस्मत में कराची लिखा था तो हम कराची चले गए। मैं इस्लामिया कॉलेज कराची का ग्रेजुएट हूँ। ओके सर, इस्लामिया कॉलेज कराची से आपने पढ़ा है और उस ज़माने में जिस तरह का बचपन था वो इनका भी गुजरा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग जो है वो तालीम याफ्ता नहीं थे, चंद ही लोग थे जिनको तालीम मुयसर हो पाई, उन्हीं में से एक अब्दुल खालिक ताज जी। बिल्कुल सर, क्योंकि शना जबान गिलगित बल्तिस्तान की कौमी ज़बान और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है गिलगित बल्तिस्तान में, तो जो शना की का जो कल्चर है वो आपको लगता है कि उसको कोई ख़तरा लाहक है क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने ज़बान को छोड़ रहे हैं या उसमें इस हिसाब से काम नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए? हाँ, मैं इस ज़बान के बारे में ये कहूँगा कि शना ज़बान जो है चीबी में मरकज़ी ज़बान है। जो हैसियत उर्दू की पाकिस्तान में है वो हैसियत जो है जी बी में शना की है, क्योंकि राबते की ज़बान है। ये कम से कम 30-40 लाख लोग इसको बोलते हैं। मकबूजा कश्मीर में इसको बोल लेते हैं, कोहिस्तान ज़िला पूरा बोल लेता है। अच्छा, उधर से जाकर आप जो है चतराल में अशरीत में बोलते हैं, फिर जाकर अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ में बोलते हैं। इन सबको जमा करो तो तकरीबन 40 लाख लोग बन जाते हैं, बोल लेते हैं। अलबत्त शना ज़बान के लिए मैं ये कहता हूँ कि इसमें काम बहुत कम हुआ है, रिटन लिटरेचर बहुत कम है इसमें। कुछ चंद लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, अमीन ज़िया साहब हैं, और इस तरीके से जो शनाव शायरी करते हैं वो बच्चे हैं। तो लेकिन इसमें ये है कि इस ज़बान को ये है कि घर में सभी शाम को मेरे घर में जमा हो जाते हैं तो मेरे पोते भी उर्दू बोल लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन इसमें यह है कि इस ज़बान को मिटने का ख़तरा लाहक नहीं है। अलबत्ता शना जो बोल लेते हैं वो उर्दू अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करने से उर्दू वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसमें शना में नहीं है। अबकार के लिए शना में क्या कहेंगे, मोबाइल के लिए शना में आप क्या कहेंगे, अच्छा जी मुख्तलिफ ऐसी मशीनरी है उनके लिए क्या कहेंगे, ट्रैक्टर को क्या कहेंगे आप, तो ट्रैक्टर ही कहेंगे। लेकिन वो ट्रैक्टर और कार खुद बहुत शनाइज हो जाते हैं। जैसे आप कहेंगे कार में कार, जैसे आप कार के ऊपर कहेंगे कारज, ये शनाइज हो गया, ये खुद बखुद ट्रैक्टरर ट्रैक्टरज, ठीक है ना, ये शनाइज खुद बखुद हो जाते हैं। और ज़बान की वसअत का बायस है ये, इनको वो अब अपने ज़बान को आप महदूद ना करें। बाहर से जो आते हैं, अब जो है हम जब मुसलमान हुए
तेरहवीं सदी बारहवीं सदी ईस्वी में हम मुसलमान हुए तो हमारी ज़बान भी मुसलमान हो गई। अब उसमें जो है अरबी अल्फाज आएंगे, नमाज को आप क्या कहेंगे, सलात को आप क्या कहेंगे। अच्छा, इस तरीके से जो अरबी अल्फाज इसमें दाखिल हो गए हैं, फारसी अल्फाज इसमें दाखिल हो गए हैं, उर्दू का आ गए हैं, हम तो इंग्लिश की भरमार है तो उर्दू में भी इसी तरह इंग्लिश बीच में भरमार है तो उर्दू ने उनको कबूल किया। अच्छा जी, चतराल में इन्होंने इंजमन तरकी ख्वार बनाया है तो उसमें जो भी अल्फाज बाहर से आते हैं वो कबूल कर लेते हैं, तो हमको भी कबूल करना चाहिए ताकि हमारी ज़बान वसी हो। और फिर जो है पुरानी ज़बान में देखें ना, आप जो है हमारी ज़माने की ज़बान या शिर बदत के ज़माने की ज़बान आप शना को ले लें तो इसमें जो है वो आपके ये अल्फाज तो उस वक़्त नहीं मिलेंगे। उस वक़्त जो है अब शना में हम जवान कहते हैं। अच्छा जी, जवान के लिए शना में चाकुर है, अली बात है, इसको नहीं छोड़ना, जो है उसको इस्तेमाल करें, नहीं है उसको बाहर से लाएं, ले लें, जो है उसको वही इस्तेमाल करना चाहिए और जो नहीं है उसके लिए बाहर नहीं से है तो उसके लिए बाहर से आ गए। जैसे कार के लिए नहीं है, रेडियो के लिए नहीं है, अच्छा टीवी के लिए नहीं है तो आप वही कहें, लेकिन ये है कि वो अब इस तरह न करें जिसमें शनामे हैं। अब ज़मीन के लिए बिरदी है, आसमान के लिए आगाही है, अब ज़मीन और आसमान इस्तेमाल करते हैं, शायरी में भी इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। फिर जाकर चाकुर जवान के लिए है, इसी तरीके से वो चीज़ें जो है जो शनामे हैं उनको शना इस्तेमाल करें, नहीं है बाहर से आए उनको कबूल कर लें, कबूल कर लें। सर, क्योंकि शना लिखाई में और शना पोइट्री में आपकी बहुत सारी खिदमात हैं, तो क्या मुश्किल पेश आई सर? मुझे मुश्किल ये पेश आई कि मैं शुरू में जब शायरी में मैं दाखिल हो गया तो मुझे रेडियो पाकिस्तान में बुलाया गया, यहाँ पिंडी में, उस वक्त यहाँ होता था, यहाँ बुलाया गया। तो ये है कि अब बाज़ लोगों का जहन ऐसा होता है, जैसे जानली है, जैसे अनपढ़ शायर हैं, वो ज़बानी वो जब बनाते हैं तो वो ज़बानी उनको याद ही रहता है, लिख तो नहीं सकते, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग थे। तो मुझे वहाँ जब मैं रेडियो पाकिस्तान में गुलकारी के लिए मैं हाज़िर हुआ तो मुझे लिखना पड़ा, तो लिखना पड़ा तो अब शनामे हरूफ तहजी तो थे नहीं, तो क्या कर लेते हम। तो शुरू में मैंने जो है कुछ इधर उधर करके मैंने उसको कलाम वलाम रिकॉर्ड कराया, बाद में जाकर मैंने सोचा कि भाई इस ज़बान के लिए हरूफ तहजी होने चाहिए। तो फिर मैंने 1999 में बड़ी कोशिश करके, बहुत मेहनत करके कायदा मैंने लाए, शना कायदा लाए। उसके बाद जो है फिर ये जो पिछले 2-4 सालों में जो है निसाब के लिए वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने जब निसाब बनाओ के कर कमेटी बनाई तो उसमें मेरा बेटा ज़फ़र ही चेयरमैन था। तो हम लोग गिलगित के, पुनियाल के जितने शना स्पीकिंग हैं, ख्वार स्पीकिंग, बल्ती स्पीकिंग, वखी स्पीकिंग, ये सब जमा हो गए, ब्रशिज़ की स्पीकिंग वाले जमा होकर जो है उन लोगों ने जो है मेरे कायदे में जो मैंने लिखी थी उस कायदे में मामूली तरामीम करके जो अभी मैंने तरमीम शुदा कायदा लाया है, ये कायदा उन्होंने बनाकर वज़ीर आज़म सेक्रेटरी में मंजूरी के लिए भेजा है, जो 2-3 साल हो गए हैं अभी तक यहाँ से मंजूर नहीं हुआ। यहाँ आपको पता है किस तरह क्या होता है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अगर मैं इस तरह करूँगा तो वो चीज़ ज़ाया होगी। फिर मैंने जो है तरमीम शुदा कायदा शना कायदा लाया जो कि फ़ाइनल है सबके लिए, फ़ाइनल है। सर, क्योंकि आप ताजुल लुगत जो है वो एक अजीम शाहकार है आपके काम का, तो उसको बनाते हुए क्या मुश्किलात पेश आई और मुस्तकबिल में क्या करने का आप सोच रहे हैं उस हवाले से? ये इसमें ये है सरिश बेटा, ये कि मैं जब इसको तकरीबन 30-40 साल से मैं इसकी कलेक्शन कर रहा था, शना ज़रबुल इमसाल हैं, शना मुहावरे हैं, शना अल्फाज मानी हैं, तो इनको मैं जमा करता गया। पिछले दिनों जब अगस्त में मैं बीमार होकर मेरा सर्जरी मेरी हुई तो मुझे खौफ हो गया कि भाई मैं अगर कहीं इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरा किया हुआ काम ज़ाया हो जाएगा। तो इसमें मुश्किलात तो मुझे कुछ भी पेश नहीं आई क्योंकि मैं शना स्पीकिंग आदमी हूँ और जो मेरे हलके के लोग हैं, हलके अरबाब जो लोग, वो शना शायरी करते हैं और शना शायरी प्रिंट भी हुई है, शना शायरी तबाद भी हुई है। तो मैंने जो है फिर उस उन्हीं से वहाँ से ही अल्फाज मैंने और मुहावरे ज़रबुल इमसाल हमारे शोरा इस्तेमाल करते हैं, हमारे बड़े इस्तेमाल करते रहे हैं। मेरा वालिद शना स्पीकर, बहुत अच्छा शना स्पीकर आदमी था, तो उनसे भी मैंने लिए। लेने के बाद फिर मुझे ये जैसे मैंने बताया कि भाई मैं बीमार हो गया तो मैंने कहा यार कहीं अचानक मैं मर जाऊं तो ये सारी चीज़ें रह जाएंगी कहकर फिर मैंने इनको तरतीब देने के कहा। ये जो शना ताजुल लुगत जो है इतनी ही और मवाद मेरे पास है, पूरा मैंने नहीं छापा है,
और मौत पेरे पास इधर लिखा हुआ है, आप आपके सामने तीन चार रजिस्टर मेरे भरे हुए हैं, तो उनको फिर मैंने सेकंड एडिशन, ये पहला एडिशन है, दूसरा एडिशन मैंने लाना है, तो उसमें तकरीबन 1200 सफ़ात होंगे ये मिला के। शना जबान कोई छोटी जबान नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ बोल लेते हैं, तो अपने माहौल के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में अपने माहौल के मुताबिक ये डेवलप हो रही है, उसमें अफगानिस्तान में अपने माहौल, चतराल अपने माहौल के मुताबिक, उनके ज़रब मिसाल हैं, इनके मुहावरे हैं, उनके मकबूजा कश्मीर से आजकल हमारे रबते हैं फेसबुक में, वहाँ पर लोग हैं, मुख्तार जाहिद बडगामी हैं, अमजद रज़ा है, अमजद रज़ा ने तुम्हें ये बताया कि हमारा दादा परदादा सिंगल जाकर इधर बैठे हैं, जब पार्टीशन हो गई तो कुछ उधर गए हैं ना हमारे लोग, वो उधर श्रीनगर में रह गए, जो इधर आए हैं वो इधर रह गए, इस तरीके से। तो अब दूसरा एडिशन मैंने लाना है, मुझे मुश्किल कुछ भी दरपेश नहीं है, अलबत्त मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है कि अब कहीं मुहावरा गलत तर्जुमा करें, गलत बोलें, तो फिर अगर फिर वो फिर इनॉग्रेशन में सलवार उतार देंगे दूसरे जो रिसर्चर हैं, तो आपको बहुत मेहनत कर फिर दूसरों से पूछना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है, फिर उसको तसल्ली करके फिर उसकी वो करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तर्जुमा करना पड़ता है। सर, हर शायर का अपना एक अंदाज़ बयां होता है, आपकी शायरी में अक्सर तंज व मज़ा के भी आप बादशाह रहे हैं, तो वो क्या सबब बना सर इसके पीछे? ये इस तरह बेटा कि भाई यहाँ जो शायर होता है वो अपनी फितरत के मुताबिक शायरी करता है, तो मेरी फितरत ऐसी है कि मजाक कूट कूट कर भरी हुई है, जिस मजलिस में बैठो मेरे बगैर वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं, आप भी वहाँ से कहते हैं, उस्ताद आप नहीं थे तो यहाँ मुशायरे का मज़ा नहीं आया, तो मैं मुशायरे में होता हूँ तो फिल बदी में बोल भी लेता हूँ और फिर मैं मज़ाहमती शायर भी हूँ। अब मेरे एक दोस्त ने अपने बच्चों की शादी पर मुझे बुलाया, तो उसने कहा कुछ लिख कर आ जाए, तो मैंने कहा यार क्या लिखूँ, अभी आपने मुझे इतला दी है, ग़ुलाम बाह नसीम है हमारे, तो कार में बैठ कर मैंने लिख दिया, अभी नादा है बच्चा हंस रहा है, अभी नादा है बच्चा हंस रहा है, नहीं मालूम इसको फंस रहा है, हाँ ज़माना हंस रहा है शोहरों पर, हर एक शोहर यहाँ बेबस रहा है, लिख कर लेगी मैं तो बड़े हंसे लोग। तो इस तरीके से फिर मेरी शायरी इस किस्म की है, हम न रब के हैं न हम हैं राम के, हम हैं बंदे मेकदे और जाम के, हम हैं बंदे मेकने और जाम के, और दोस्तों तुम हमको पागल मत कहो, सर फिरे हैं गर्दिश अयाम के, और फिर मैंने अपनी बीवी को कहा तुम हमारे काम के ना हम तुम्हारे काम के, रह गए हैं अब यहाँ बीवी बराए नाम के लिए तो मैं क्या करता भाई और फिर मज़हमती शायरी में ये मसलक के अलमबरदार तुम हो, तासुब के बड़े बीमार तुम हो, जनाब शेख हम बीमार हम में खार हैं तो अमन की राह में दीवार तुम हो, तुम्ही ने सबको नंगा कर दिया है, हमारी कौम की शलवार तुम हो, लिखी इस किस्म की शायरी है मेरी। हाँ बस अपनी फितरत के मुताबिक हर शायर इसको संजीदा बोल लेता है। अब जमशेद खान देखिए मेरे साथी हैं शायर, वो शायर हैं आजकल, वो भी बीमार हैं बेचारे, तो हाँ तो वो जमशेद दुखी फिर अपनी फितरत के मुताबिक संजीदा शायरी करता है, तो हम जब महफिल में जाते हैं तो मैं ये कहता हूँ यार देखना तकरीर की लज्जत को जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है, तो अब आप महफिल में जाते हैं तो किसी को कोई हंसे कोई रोए कुछ तो कहे, आप संजीदा शायरी करते हो उसको क्या मज़ा आएगा, तो फिर मैं शायरी ऐसे करता हूँ आम फहम, आम मेरी शायरी आम फहम है, मैं कहूँगा आप समझ जाती हैं ये है, तो ये नहीं है कि भाई दिन को मुझसे सुनो और रात को जाकर फिरोज़ लोग निकाल कर सुनो, ऐसी शायरी नहीं है मेरी, मैं आम फहम शायरी करता हूँ। तो सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपकी तबीयत भी काफ़ी बीमार रही है, अब आप माशाल्लाह से बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, तो सर जब आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होंगे तो फ्यूचर में कोई प्लान्स है कि आप इस शना शायरी को शना अदब को मजीद इम्प्रूव करने के लिए? बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल मेरा प्लान है, खुदा अगर मेरी सेहत को बरकरार रखे तो मैं अभी जैसे बताया ये सेकंड एडिशन इसका लाना है, वो मेरे पास मौत पड़ा है, फिर काम करना है मैंने, उसके बाद मेरी उर्दू की शायरी 300-400 सफ़ा थी मेरे पास पड़ी, कंप्यूटराइज करके इधर रखा है, उसके बाद मेरी शना शायरी है जो शना के काम आएगी, शना जबान की डेवलपमेंट के काम आएगी, तो शना के मैंने वो करना है, शना की अगर मैं कहूँ तो कम से कम ऐसी 3 किताबें बन जाती हैं, देखो ना 5वीं के बाद जब मैं 5वीं में पढ़ता था तब से मैं शायरी करने लगा हूँ, वजह यह है कि मेरे घर में शायर मौजूद थे, मेरा बड़ा भाई जी बी का पहला LLB था,
वहाँ किधर कौन पढ़ता था, कश्मीर में जाकर पढ़ा उसने, कश्मीर से फिर वहाँ पार्टीशन हो गए, यहाँ गार्डन कॉलेज में दाखिला ले लिया, अब्दुल वाहिद खान जो है डिप्टी कमिश्नर भी रहा, यहाँ सेक्रेटरी भी रहा वो फेडरल गवर्नमेंट में, तो वो शायर था। उसके बाद मेरा फर्स्ट कज़न उस्मान साहब, प्रोफेसर उस्मान, नाम सुना होगा आपने, प्रोफेसर उस्मान, वो जो है लिखारी था, मौखिक था, तारीख का मौरख था, तो वो लिखता रहता था, तो वो उधर था। सर एक एक आखिरी सवाल या इसको कन्फ्यूजन कहे, गिलगित बल्तिस्तान में जो शायरी है, अदब है, उसकी बुनियाद तो है, वहाँ पे बहुत सारे शायर भी है, अदब भी है, लेकिन आज तक कोई फीमेल शायरा या फिर कोई ऐसी लिखारी या ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल शायद हमारी नज़र में नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में ख्वातीन को आना चाहिए, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल एक बहुत बड़ा एक वसी फील्ड है, तो ख्वातीन क्यों नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में इस फील्ड के अंदर? बेटा गिलगित में एक दो दफ़ा मैंने जो कुछ बहनें हमारी बेटियां आई थी, तीन चार तो मुझे पता है, जो फेसबुक में भी वहाँ शायरी कहते हैं, लिखती हैं यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर आपको पता है वहाँ का कल्चर ऐसा है कि अभी तक बुरकम डालकर फिर रहे हैं, तो कल्चर ऐसा है, तो बाज़ वो रिलेक्टेंट हैं, डरते हैं कि भाई हमारे लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो चीज़ें हमारे पास है, अभी तक सोसाइटी इतनी खुली नहीं हुई, खुली डुली नहीं हुई है, लेकिन ये है कि शायरी करनी चाहे तो यहाँ परवीन शाकिर इतना नाम कमाया उसने, तो क्या वो मसूरात में से नहीं थी, क्या वो औरत नहीं थी, मर्दों के बीच में बैठकर वो शायरी करती थी। अच्छा जी, लाहौर हम यहाँ पर मुशायरे पर गए तो कम से कम 6-7 जो है मसूरात बहनें हमारी बेटियाँ जो है आकर मुशायरे करती थी। गिलगित आ गई, यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद से गिलगित आ गई, जिनका नाम मुझे याद नहीं है, गिलगित में आकर मुशायरे, सिकरदू में मुशायरे किया, गिलगित में मुशायरे किया, तो उनके लिए क्या बुरा हुआ, कुछ भी नहीं। अभी गिलगित में हमारे बच्चियों के वालदेन भी ऐसे हैं जो रिलेक्टेंट हैं इससे, वो ज़रा वो अपने वालदेन से इजाज़त लेनी पड़ती है उनको, मैं मुशायरे में जाऊँ या नहीं। अब जो है यूनिवर्सिटी में बच्चियों को नहीं भेजते थे, आपको पता है, यूनिवर्सिटी में बच्चों कॉलेज में नहीं भेजते थे, शुरू में तो स्कूल ही में नहीं भेजते थे। अब मेरी बीवी जो ले देकर 5वीं पास है, इसकी माँ ने कहा यार ये पढ़ाते नहीं हैं, ये खुतूत लिखते हैं, अब बताओ, तो खुतूत नहीं लिख कर वो क्या लिखने जाती है उधर, तो उसने कहा नहीं नहीं मर्दों को लिखते हैं, तो औरतों को लिखेगी, मर्दों को लिखेगी ना, किसको लिखेगी, तो ये करके वो माहौल ऐसा था। अब आपके अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमारी बच्चियाँ देखें, आप मेरी बच्ची को देखो, कायदा में मुझसे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मास्टर हैं, मेरी सारी बच्चियाँ सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ये एक दूसरी बच्ची जिसकी छोटी बच्ची इधर आई थी वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है इंग्लिश में, KIU से। अच्छा हिना जो है इधर कैजम यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है, सायरा कैनेडा में है, वो जो है उसमें इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो सारी बच्चे, अब बच्चे भी सारे मेरे बेटे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन गोल्ड मेडल किसी ने नहीं लिया, बच्चियों ने गोल्ड मेडल ले लिया, अब क्यों नहीं पढ़ाएं, अब देखें ना क्यों नहीं पढ़ाएं, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। तो हमारे वालदेन ऐसे हैं कि अभी तक जो है फंडामेंटलिस्ट हैं, तो खुदा और रसूल के लिए हम तबलीग इनको कर रहे हैं कि बच्चियां जो हैं इनको पीछे नहीं करो, हमारे मुकाबले दुनिया आगे जा रही है, पीछे नहीं जा रही, आगे जा रही, तो अब किस तरह आप करते हैं भाई, कराची की बच्चियां पढ़ें, लाहौर की पढ़ें, इस्लामाबाद की पढ़ें, गिलगित वाले ना पढ़ें, ये कैसे हो सकता है, ये भी तो हमारी बच्चियाँ हैं, जो आप सब पढ़ती हैं वो हमारी बच्चियाँ हैं, जो मर्दों को हमारे उसको मर्द को उसको अपनी नज़रों को ठीक रखना चाहे, ताकि हमारी बच्चियाँ वो माइंड ना करें, फील ना करें, हाँ जवानों को भी मेरी ये है कि भाई अब के आयु में हम जाते हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, पहले के आयु तो नहीं था ना हमारे पास, सिर्फ ले देकर हाई स्कूल गिलगित था, तो अब खुदा की मेहरबानी से हर जगह में कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, बच्चियों के लिए हैं, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल गवर्नमेंट बनाएं, और हम उनको रोके रखें भाई तुम ना पढ़ो, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, जुल्म है, बिल्कुल सर। इंसान अच्छा या बुरा अपने किरदार से होता है, कोई भी फील्ड या कोई भी जो शोबा है वो इंसान को अच्छा बुरा नहीं बनाता, अच्छे या बुरे की डेफिनेशन इंसान की खुद होती है, उसका अपना किरदार, उसकी अपनी तालीम, उसकी अपनी तरबियत होती है, तो हम किसी भी फील्ड को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि फील्ड हर कोई अच्छा होता है, सिर्फ इंसान पर डिपेंड है कि वो अच्छा है या बुरा है। सामीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा और अब्दुल खालिक ताज साहब से मुलाकात आपकी कैसी रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ लाइफ जर्नल्स विद सरिश के नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड में। अल्लाह निगहबान।